जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के, कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। और मैं पूरे देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं जब भी इस प्रकार का संकट देश के सामने आया है तो चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़े हुए हैं। और आज तो मैं कह सकता हूं, भारत की बात छोड़िए, दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी हो रही है। इसलिए ऐसी ताकतें यदि कोशिश करती हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कन्वाय के ऊपर जो हमारे सीआरपीएफ का कन्वाय था, जिस तरीके से उस पर फिराइन हमला हुआ है, तो आज की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जिस समय कन्वाय चलेगा, बड़ा कन्वाय चलेगा, उस समय हमें सिविलियंस के मूवमेंट को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ेगा। उसके कारण हमारे सिविलियंस को थोड़ी देर के लिए सुविधा हो सकती है, उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अमन शांति बनाकर रखने की कोशिश करें। और मैंने यह भी कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश किसी की तरफ से की जाती है तो पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटा जाना चाहिए। धन्यवाद। राजनाथ जी, क्या आप मानते हैं जिस प्रकार से ये हमला हुआ, पहले से अलर्ट भी मौजूद था, एसओपी भी है कॉन्वॉयज को लेकर, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंटों ने इतना बड़ा प्लान किया, इतना बड़ा एक्सक्लूसिव लेकर ये हमला करने में कामयाब हुई, क्या आप मानते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स चूक हुई है? अब वो सारा इन्वेस्टिगेशन, इस समय मैं पूरी घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है, अब देखेंगे आगे क्या चीजें निकल कर आती। सर, जम्मू में हालात खराब हुए हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ा है, क्या अपील करेंगे वहां के लोगों? नहीं, यहां के भी एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द को, सामाजिक समरसता को तोड़ने की किसी के द्वारा कोशिश की जाती है तो उसके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। और जम्मू पूरी तरह से नॉर्मल है, जो जानकारी प्राप्त हुई।